नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। और आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ जो कि है मेकओवर वीडियो पुराने स्टूल्स का। बहुत ही प्यारा सा लुक निकल कर आया था। तो देखिए, ये हैं मेरे पुराने स्टूल जो कि मेरे पास दो हैं। इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, काफ़ी पुराने हैं ये। बचपन से मैंने इन्हें अपने घर के ड्राइंग रूम में देखा है, तो मम्मी के पास से करीब 5-6 साल पहले मैंने ले आई थी और सोच रही थी कि इनको कुछ अच्छा सा लुक दूंगी। तो अभी तक तो ये ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन कंडीशन ख़राब होने की वजह से अब मुझे इनको थोड़ा सा चेंज करना था, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट लुक से देना था। और क्योंकि मेरे इसके साथ बहुत अच्छी यादें हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं फेंकना चाहती थी। तो सबसे पहले मुझे इसे एक्रेलिक पेंट से पेंट करना था, तो मैंने इसे अच्छी तरीके से साफ़ किया। जैसे अगर सैंड पेपर से कहीं रगड़ने की ज़रूरत थी तो वो भी मैंने रगड़ा, लेकिन बस थोड़ी सी लकड़ी इसकी फूल गई थी तो वो मैंने नीचे से निकाल दी और अच्छी तरीके से इसको मैंने साफ़ कर दिया। और सबसे पहले मैंने इसके जो लेग्स हैं चारों, उस पर पेंट किया एक्रेलिक पेंट से, वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से। क्योंकि वाइट कलर के ऊपर आप कोई भी कलर अगर लगाते हो तो वो पूरा कलर अच्छे से निकल कर आता है। तो मैंने इसको पेंट कर दिया केवल लेग्स वाले साइड को वाइट कलर से। आप चाहें तो इसमें जो वॉल कलर होते हैं ना, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी परफेक्टली वर्क करते हैं जब आप लकड़ी पे पेंट करते हैं। तो इसे मैंने पेंट कर दिया, 2 कोट मैंने पेंट किए, फटाफट ये सूख जाते हैं। तो देखिए, 2 कोट पेंट होने के बाद ये स्टूल मेरे रेडी हो गए अब आगे के काम के लिए। और आगे इसमें लगाने के लिए मैं लेकर आई एक बहुत ही अच्छी सी चीज़, जो कि मुझे जहाँ रस्सियाँ वगैरह मिलती हैं वहाँ से मिली। देखिए, रस्सियों की दुकान पे मैं गई थी जब लेने के लिए रस्सी, तो मुझे इस तरीके की देखिए एक रस्सी मिली जो कि लेस नहीं है। देखिए, ये रस्सी है पूरी, बहुत ही प्यारी सी रेशम की ये है, और ये करीब 20 मीटर्स है, और ये मुझे 190 रुपीज़ में मुझे पूरा बंच मिल गया था। तो आप लोग अगर चाहें तो अगर आपको ऐसी रस्सी मिल जाए तो आप इसका यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप जो जूट की नॉर्मल रस्सी है उसका भी यूज़ इस तरह से DIYs में कर सकते हैं। ये तो मुझे बहुत पसंद आई थी, देखिए रेशम की कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन इसका है। तो अब इसको मुझे लगाना था अपने स्टूल पे, तो अपने स्टूल की चौड़ाई के बराबर का मैंने इसको नाप लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा मैंने दोनों साइड से क्योंकि मुझे इसे लटकाना था। तो करीब 4-4 इंच दोनों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा लेके कट कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टूल जो हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि मैंने इनको बचपन से देखा है, तो इसलिए मुझे इनका मेकओवर करना था। तो जितनी भी इसमें चौड़ाई थी उतनी सारी मैंने ये रस्सियाँ काट ली, और अब बारी आई कि मैं इन रस्सियों को इसके ऊपर चिपकाऊँ। चिपकाने के लिए मैंने यूज़ करी देखिए ये नॉर्मल फेविकॉल, क्योंकि सनमाइका है, वुड है, बहुत आराम से इसके ऊपर हम कोई भी फैब्रिक चिपका सकते हैं। आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्लू गन अगर आपके पास है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एक थिक लेयर, एक मोटी लेयर मैंने सनमाइका के ऊपर इसकी अपने फेविकॉल की अच्छी तरीके से लगाई ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। बस फेविकॉल से चिपकाने में यह है कि आपको करीब 5-6 घंटे लगेंगे जिससे ये इसमें चिपके, लेकिन ग्लू गन से इमीडिएटली चिपक जाएगा, एकदम तुरंत चिपक जाएगा। तो मैंने फेविकॉल का यूज़ किया ताकि मैं आज जिनके पास ग्लू गन नहीं है उनको भी एक ऑप्शन दे सकूं। तो देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से बराबर छोड़ा मैंने लटकाया 4-4 इंच, और इस तरह से देखिए इसको मैंने चिपका लिया। और जब मैंने ये सारे में चिपका रही थी तो बस एक ध्यान मुझे इस चीज़ का रखना था, क्योंकि ये अलग अलग रस्सियां हैं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आए। और अगर आप इसमें जूट की रस्सी का भी यूज़ करेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और इससे केवल स्टूल्स ही नहीं, आप इस जूट की रस्सी से चिपका के कोई भी और चीज़ का मेकओवर कर सकते हैं जो कि आपकी वुडन चीज़ पुरानी हो रही है। तो इस तरह से चिपकाने के बाद इसके ऊपर रख दिया मैंने वेट, और ये मैंने मॉर्निंग करीब 8 o'clock चिपका के छोड़ दी थी ताकि 3-4 घंटे में आराम से ये सूख जाए। और इसे मैंने इस तरह से रख दिया। और अब इसके जो लेग्स पे पेंट करना था येलो कलर, मैंने सोचा चलो इसे भी अभी कर देते हैं। तो मॉर्निंग में देखिए ये सारे काम जल्दी उठने की वजह से मैं कर लेती हूँ। तो येलो कलर से मैंने इसको पेंट किया क्योंकि मुझे इन्हें अपने येलो कलर वाले रूम के लिए प्रिपेयर करना था, और वैसे भी मेरे घर में येलो कलर कई जगह जो है चल जाता है, तो वैसे भी मुझे ये कलर काफ़ी ब्राइट और अच्छा लगता है। तो मैंने ये सारे लेग्स 2 कोट से ही मैंने येलो कलर से पेंट कर दिए, और पहले वाइट कलर था तो ये अच्छे से निकल कर इसमें येलो कलर आया।
अब देखिए साथ के साथ एक काम और किया, साइड से मैंने इनको खोल दिया, जो ये गुथी हुई थी एक चोटी की तरीके से इनको मैंने खोल दिया। और इसी तरीके से अगर आप जूट की रस्सी का भी यूज़ करेंगे ना, तो उसे भी आप बहुत बढ़िया तरह से खोल सकते हैं, उसका भी लुक बहुत अच्छा निकल कर आएगा ब्राउन कलर का। और उसके साथ आप ब्राउन के साथ आप वाइट कलर के लेग्स पेंट कर सकते हैं, और ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और वो थीम के अकॉर्डिंग जाता है। अब खोलने के बाद, क्योंकि ये थोड़े से साइज इनके कम और ज्यादा थे, तो इनको थोड़ा सा मैंने जिगजैग भी रखा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट मैंने कट कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर ना आए लंबाई का, इस वजह से मैंने इसको कट कर दिया। तो कट कर दिया पूरा, तो उसके बाद बड़ा अच्छा सा एक फ्रिल का सा लुक निकल कर आया और मुझे ये पसंद आने लगे। और पीछे के साइड में मैंने नाप के देखिए एक पट्टी काट ली और इसको मैंने पीछे के साइड ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे फेविकॉल लगा के छोड़ना, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज रहे थे इस टाइम, वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने इसे जल्दी की वजह से ग्लू गन से देखिए इस तरह से चिपका दिया। तो ये मेरा पीछे का साइड जो है अच्छी तरीके से रेडी हो गया, मतलब पीछे के साइड अब मुझे लकड़ी इसमें नहीं दिखाई दी। ये है फ्रंट साइड उसका, फोर्थ साइड जो है इसमें मैंने नाप की देखिए इस तरह से पट्टियाँ ली थोड़ी सी, करीब वही 4 इंच की, और इनको मैंने कट कर लिया और ये सारी पट्टियों को मैंने ग्लू गन की मदद से इस साइड में चिपका लिया। तो मेरी चारों साइड जो हैं कवर हो गई। वैसे तो कई सारे तरीके हैं जिनसे हम इसको बना सकती हूँ मैं इसको इन्हीं की मदद से, लेकिन ये सबसे आसान तरीका था। और इनको भी देखिए इस तरीके से जो फ्रंट में मैंने काटी है इनको भी मैंने खोल लिया और उसके बाद बराबर जो है मैंने इनको कट कर लिया, तो तीनों तरफ एक बराबर सी फ्रिल सी निकल कर आ गई जो कि बहुत ही अच्छी लगी। और जो अब इनके लेग्स थे उस पर मैंने एक रस्सी जो है इस तरीके से लपेट दी ताकि एक अच्छा सा बोहो लुक निकल कर आ जाए और पैर भी इसके प्यारे से लगे। तो इस तरह से मैंने येलो कलर के ऊपर ये जूट की रस्सी लगा दी। और देखिए ये तैयार हो गया मेरा स्टूल, दोनों स्टूल मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए, बहुत ही प्यारे लगे ये, बहुत अलग सा लुक आया। इनको मैंने अपने मास्टर बेडरूम में रख दिया क्योंकि वहाँ पे येलो कलर ही है। और देखिए ये भी एक DIY है जो मैंने पुराने प्लास्टिक पॉट का बनाया था, लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। और देखिए एक कॉर्नर पे जब मैंने इसको रखा तो ये रेशम का होने की वजह से बहुत ही बढ़िया सा लगा, एक अलग सी चमक इसमें स्टूल में आ रही थी, और जो नॉर्मल स्टूल्स होते हैं सनमाइका वगैरह के उनसे ये बहुत अलग लगा और अभी भी बहुत अच्छा लगा। देखिए ऊपर के साइड में इसमें हम कोई भी सामान रख सकते हैं, अच्छी तरह से चिपक गया सब। और जो दूसरा साइड था, देखिए दूसरे साइड में भी ये कार्डबोर्ड का DIY रखा है, आपके साथ शेयर किया था ये मैंने, इसमें भी काफ़ी सारा सामान मेरा रखा हुआ है। तो दूसरे साइड में भी मैंने इस स्टूल को रख दिया, और क्योंकि यहाँ पे और सामान रखने की काफ़ी सारी जगह है तो मैंने एक अच्छा सजा हुआ सा लुक देने के लिए यहाँ पे एक लैम्प को प्लेस कर दिया। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर्स पे जब मैंने ये रखे और कलर थीम के साथ मैंने रखे तो ये बहुत अच्छे लगे। वैसे तो आप बताएंगे कि आपको कैसे लगे, तो मास्टर बेडरूम में ये दोनों स्टूल परफेक्टली गए और बिल्कुल चेंज सा हो गया, जो बोरियत सी आ रही थी ना कि कुछ नया लेना है नया बनाना है, उससे मैं अब सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह से पूरा दिन निकल गया मेरा और इस वक्त करीब 4:00 हो रहे थे और फटाफट शूट करके मेरा काम शाम का वही जिम जाने का हो गया और मैं चली अपने जिम में। और इसी तरीके से मैंने टाइम भी मैनेज किया कि मेरा जिम बिल्कुल भी मिस ना हो। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।